साल 2016 मेलबोर्न में रहने वाले 21 साल के मैथ्यू ग्रहम को पूरे 15 साल की सजा सुनाई जाती है। उनका जुर्म यह था कि वो डार्क वेब पर हार्ट टू द कोर नाम की एक वेबसाइट चला रहे थे। ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी, ये एक ऐसी वेबसाइट थी जहां ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अंडर एज लड़कियों को टॉर्चर किया करता था। वहां पर एक ओपन डिस्कशन ग्रुप बनाया गया था जहां पर लोग डिस्कस करते थे कि आज कौन सा तरीका चूज किया जाए इन लड़कियों को टॉर्चर करने के लिए, इनको कैसे मारा जाए, इनकी बॉडीज को कैसे ठिकाने लगाया जाए, इनकी स्किन से कैसे कप्स बनाया जाए और ना जाने क्या क्या। हैरानी की बात यह है कि इन सब चीजों के लिए बोलियां लगाई जाती हैं और जो सबसे ज्यादा बोलियां लगाता है वैसे ही तरीका चूज किया जाता है इन लड़कियों को टॉर्चर करने का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं आपको डार्क वेब के बारे में दूंगा ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें मैं किसी भी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आपको या मुझे ऐसी वेबसाइट से दूर रहना चाहिए। और हाँ, अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके लिए एक छोटी सी बात हो सकती है लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, डार्क वेब पर ये कोई एक अकेली वेबसाइट नहीं है, ऐसी हजारों वेबसाइट वहां पर मौजूद है जहां लोग अपनी डार्केस्ट फैंटेसी को डिस्कस करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का सबसे टेस्टी पार्ट कौन सा होता है या फिर ह्यूमन स्किन से बैग्स कैसे बनाए जाते हैं। अब ये सब सुनने के बाद अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एडवेंचर के लिए डार्क वेब पर जाने की सोच रहे होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि इसके दूसरे और भी रिस्क हैं। जैसे अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी डार्क वेब की वेबसाइट पर बिकता हुआ नजर आए तो जाने से पहले एक बार दोबारा जरूर सोचिएगा। अब आप सोचेंगे कि अगर ये सब इतना ही डेंजरस है, इतना ही इलीगल है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता है। तो आपको बता दूं, ऐसा इसलिए है कि इसको बनाने वाला वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका खुद है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ भी बुरा हो और अमेरिका उसमें इन्वॉल्व ना हो ऐसा कभी हुआ है? सवाल अब ये है कि इसको बनाया ही क्यों गया है, क्या अमेरिका को इसमें कोई फायदा नजर आया था? अगर आपको इस बारे में जानना है तो कमेंट में लिखिएगा, हम इस पे एक दूसरी वीडियो ले आएंगे। हम अभी इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो वापस डार्क वेब पर फोकस करते हैं। अगर आपको किसी का मर्डर करवाना हो, किसी को साइबर क्राइम में फंसाना हो, किसी की किडनैपिंग करवानी हो, ड्रग्स मंगवाने हो, किसी भी देश का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर सिटीजनशिप लेना हो, किसी ह्यूमन का कोई बॉडी पार्ट खरीदना हो, किसी कंट्री का कोई सेंसिटिव डेटा लेना हो और ऐसे कोई भी इलीगल चीज जो आपको चाहिए हो वो सब डार्क वेब पर आपको मिल जाते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो डार्क वेब इलीगल दुनिया का एक अमेज़न है जहां पर आप अपनी मर्जी का कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर उसके लिए पेमेंट करते हैं और आपको वो ऑर्डर कुछ दिनों में डिलीवर करवा दिया जाता है। जैसे कि अप्रैल 2020 में जेम्स वैन नाम के एक डॉक्टर ने डार्क वेब पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके लिए उन्होंने $8,000 वर्थ के बिटकॉइन का एक अपफ्रंट पेमेंट भी किया था। वैन से मर्डरर ने सारी डिटेल्स ली और ये भी पूछा कि आपको किस तरीके की मौत अपनी गर्लफ्रेंड को देनी है, क्या आप चाहते हैं कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे या फिर आप चाहते हैं कि उसकी डेथ एक नॉर्मल डेथ के जैसा लगे। वैन ने इवन ये तक बोला मर्डरर को कि मर्डर के बाद उसको अपनी गर्लफ्रेंड का वॉलेट एंड फोन भी चाहिए। तो आप इस इंसिडेंट से एक बेसिक आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि कैसे डार्क वेब इलीगल दुनिया के लिए एक ई कॉमर्स की तरह काम करता है। वैसे तो आप यहाँ कुछ भी करवा सकते हैं लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये प्लेसेस फायर आर्म डील्स, ड्रग डील्स, बिटकॉइंस, मर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चोरी की हुई या लीक्ड हुई डेटास को सेल या परचेज करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। अक्टूबर 2023 में आपने ये न्यूज भी सुना होगा कि इंडिया की तकरीबन 815 मिलियन लोगों का आधार डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा था। डार्क वेब एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, इसको समझने के लिए आपको मुझे इंटरनेट समझाना पड़ेगा। तो देखिए, इंटरनेट इस आइसबर्ग की तरह है जिसमें ये पूरा आइसबर्ग एक इंटरनेट है और ये जो ऊपर का एरिया है इसको कहते हैं सरफेस इंटरनेट, जो कि इंटरनेट का तकरीबन 10% हिस्सा है। मतलब पूरी इंटरनेट का सिर्फ 10% डेटा यहाँ अवेलेबल है जिसको कि ढूंढा जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। तो ऑल टुगेदर अगर मैं कहूँ तो सरफेस इंटरनेट वो इंटरनेट है जिसको हम आज के समय में यूज कर रहे हैं। इसके बाद इसके नीचे का हिस्सा आता है जिसको कि हम कहते हैं डीप लेयर इंटरनेट, जहाँ हमारी ऑनलाइन इन्फोज जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपके डेबिट कार्ड डिटेल्स, आपके पिन, आपके पासवर्ड और बहुत सारी ऐसी चीजें। और फिर आता है वो पार्ट जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच सकती, जिसको हम डार्क वेब कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। जैसे आप सरफेस इंटरनेट में कुछ भी ढूंढने के लिए गूगल यूज करते हैं, वैसे ही डार्क वेब में टॉर ब्राउजर को एज अ सर्च इंजन यूज किया जाता है। बस फर्क इतना है कि जब आप गूगल सर्च में कुछ सर्च करते हैं तो आपके आईपी एड्रेस को आसानी से पता किया
किया जा सकता है, लेकिन टॉर ब्राउजर में आपकी आईपी एड्रेस को ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आज डार्क वेब गलत कामों के लिए एक हब बन चुका है। आज के समय डार्क वेब बड़े क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक सिल्क रोड की तरह काम करता है, जहां उनकी वर्थ बिलियंस में है। अगर आप चाहते हैं कि डार्क वेब पर ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाया जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम अगली वीडियो उसी पर ले आएंगे। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।